करप्शन का जो इश्यू है वो हमारी गरीबी और भुखमरी का सबसे बड़ा कारण है। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे लोग रहते हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले अनेक सालों से गवर्नमेंट से अनेक प्रकार की केंद्र सरकार की मदद नॉर्थ ईस्ट हो गई, पर वहाँ के जो कांग्रेस रूल स्टेट है उनने किस प्रकार उस पैसे का उपयोग किया है ये संशोधन का विषय है। जिस प्रकार से ये जो मैं आसाम गया था तो एक डिप्टी इंजीनियर के घर पर रेड मारा गया तो उसकी दीवार को अगर तोड़ा गया तो उसमें से 3 करोड़ रुपए की बैग निकली। 13 करोड़ बैग में 3 करोड़ निकले उसके घर से और टोटल 13 करोड़ उसके घर से मिले। और बैग जो दीवार में रखी हुई थी यानी दीवार में पैसे रखे थे, यानी ये गरीबी का और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि ये लूट, और ये बहुत भयंकर है। दिल्ली के लोग आगे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने कहा हम भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम ये सब विषयों को मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के समस्याओं को जितना दिल्ली में स्थान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, ये उनकी वेदना है। और वहाँ जब मैं जाता हूँ तो अनेक लोगों ने मुझे बार बार ये बात कही है कि दिल्ली में भी हमारी कुछ बात चले, सरकार तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इन सब करप्शन के ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स को लेकर हम राष्ट्रपति को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन लेकर, और इसके प्रूफ्स हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कॉमनवेल्थ के गेम के बारे में हो, 2G स्पेक्ट्रम के बारे में हो, जो भी बातें कही है वो विथ एविडेंस कही है। आपको याद होगा कि मुंबई में मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो बातें की थी उसके तथ्य साफ के सामने रखे थे। जो प्रसार भारती के बारे में मैंने कहा था वो आगे सिद्ध हुआ, इंक्वायरी कमिटी में आया। और इसलिए हमने इन पूरे करप्शन की स्कैंडल्स के रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण इसके डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में पूरी तरह से है। तो कोई पॉलिटिकल नेता हवा में बोलता ऐसा ये नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे कार्यालय में उपलब्ध है, आप तीनों रिपोर्ट पढ़िए, और आपको जहाँ लगता है कि इसमें कुछ आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए और उसके बाद इसके ऊपर आप लिखिए। पर देश में इतने बड़े प्रमाण पर एक के पीछे एक करप्शन की स्कैंडल चल रहे हैं, ये हमारे भुखमरी और गरीबी का कारण है। और हमने ये तय किया है कि पहली बार हम प्रधानमंत्री को इसके बारे में हमारी जानकारी सब रिपोर्ट के साथ उनको देंगे, राष्ट्रपति को भी देंगे, और राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री को तो हमारे सदनों के नेता है वो उसकी जानकारी देंगे, पर राष्ट्रपति को मैं खुद हमारे पार्टी के डेलीगेशन को ले जाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर हम राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि देश के इंटरेस्ट में टाइम बाउंड ये इंक्वायरी सालों साल चलती है ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के लिए टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होने के बाद जो भ्रष्ट है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एक अच्छी पहल की है, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के एक स्पेशल एक्ट तैयार किया है कि भ्रष्टाचार के कंप्लेंट जिनके ऊपर है उनके ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय स्थापन किए जाए, सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक और क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जो भी व्यक्ति के खिलाफ तकरार है उसकी इंक्वायरी न्यायालय करे, और अगर इसकी आरोप में अगर तथ्य आता है निकलता है एविडेंसेस है तो जो करप्शन है उतने अमाउंट का जो है उससे प्रॉपर्टी जब्त करें, और ये कड़ी कार्रवाई करने के देश में आवश्यकता है। और एक बात का अध्ययन पिछले महीने भर से हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको कैसे बदल सकते हैं, और इसलिए मैंने देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से संपर्क किया, 3 मीटिंगें मेरी हुई हैं, और हम लोग ई टेंडर, ई ऑक्शन, ई परचेस, ई बैंकिंग
ये चारों बातों पर रखकर हमारे प्रशासन को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए और सरकार के बेसिक नीति नियमों में किस प्रकार से बदल किए जाए जिससे हम इसको रोक सकते हैं। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और अभी उसके बारे में ज़्यादा जिक्र मैं नहीं करूँगा, पर मेरा विश्वास है कि हमने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर ठीक से उपयोग किया और प्रशासन को ट्रांसपेरेंट किया, प्री क्वालिफिकेशन नाम जैसे रहते हैं टेक्निकल और इकोनॉमिक नाम से अगर ठीक से किए तो हम इसको टाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कॉमनवेल्थ गेम में एक सेंटेंस ने गड़बड़ की और जिसको अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर तक सब लोगों ने दिया था, गलती की। एक सेंटेंस यही था कि जिन कंपनियों ने कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में काम किया है वही कंपनी प्री क्वालिफाई होगी। ये इस एक वाक्य ने पूरे करप्शन को बढ़ावा दिया और पूरे रैकेटियर्स को फायदा मिला। जो प्रसार भारती में इंडियन टेलीकास्ट कंपनी सब डिस्क्वालीफाई होगी, लंदन की कंपनी क्वालिफाई होगी और उन्होंने 3 दिन के अंदर 180 करोड़ का चुना लगा के कॉन्ट्रैक्ट फिर से दूसरे को दे दिया। ताज कैटरर को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ताज कैटरर ने इंटरनेशनल कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया तब समोसे और चाय पानी देने का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला। नेहरू स्टेडियम पर आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन है, कपड़ा अमेरिकन, सिलाया मेक्सिको में, रोप जर्मनी से, नटबोल्ट स्विट्जरलैंड से और मजदूर ऑस्ट्रेलिया के, और संडास पर टाइल्स चिपकाई ऑस्ट्रेलियन कामगारों ने, लाया माल हवाई जहाज से और 100 करोड़ के काम पे 980 करोड़ रुपए खर्चा किए, देश को चुना लगाया। ये मैं इसलिए अधिकार के कह सकता हूँ, आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, फ्लाईओवर्स बनाए, और तब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आया था कि एक्सप्रेस हाईवे देश में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया नहीं था। तब मैंने कहा था कि अगर नहीं बनाया है तो पहले यही ऐसी प्रकार से अधिकारी रखा। सूर्य पॉरेन कंपनी क्वालिफाई हो गई, मैंने उठा के फाइल लिटरली फेंक दी, ऐसे उठा के फेंक दी बाहर से, मैंने बोला मैं करूँगा नहीं। और मैंने हिंदुस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्वालिफाई किया, 10% मोबिलेशन एडवांस दिया, 10% मशीनरी एडवांस दिया, और जितनी मशीनरी आई, पेवर्स आए, प्रीकास्ट की मशीनरी आई, कॉन्क्रीट मिक्सर्स आए, सबके ऊपर कस्टम ड्यूटी। मैं इस मंत्रालय का मंत्री था, चेयरमैन था कंपनी का, MSRDC का, मैंने 27 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी भरी और करीब 450 करोड़ की मशीनरी उस समय मुंबई में आई, जिसके कारण देश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपग्रेड हुई और पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया। परिणाम क्या हुआ, 3600 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे 1650 करोड़ में बना, 2000 करोड़ बचे। फ्लाईओवर 1800 करोड़ के 1000 करोड़ में बचे, 800 करोड़ बचे। और इसलिए मेरा कहना है कि ये जो बात थी ये बहुत बड़ी गलती थी और इसमें जो मेन पॉलिसी मेकर्स हैं, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लोग हैं, अगर वो ठीक से काम करते तो ये नौबत नहीं आती। और इसलिए हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी नीति बनाएंगे कि जिसमें हम करप्शन को रोक सकें। दूसरी ओर ये करप्शन विरोधी कानून भी बनाए, दोनों का हमने प्रोफाइल्स तैयार किए हैं। कलकत्ता के मीटिंग में हम उसका जो प्रारूप है, प्रोफाइल है, वो चीफ मिनिस्टर और सबको विचार करने के लिए देने वाले हैं। और उसके बाद में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर कमेटी है, जो IAS बॉडी है, उसमें इसका हम लोग विचार करके उसको फाइनल करेंगे, सुझाव जो आएंगे उसके साथ, और सब BJP रूल स्टेट को आदेश देंगे कि आपका प्रशासन इसी दिशा से चलना चाहिए। और इसी प्रकार से करप्शन जो हो रहा है इसके बिल्कुल विरोध में हमने हमारी पार्टी करके हमारी तरफ से कुछ पॉजिटिव उपाय हम कर रहे हैं। ये CAG है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, विजिलेंस कमीशन है। मेरी जानकारी है कि CAG के ये नॉर्थ ईस्ट के रिपोर्ट्स पेंडिंग में हैं। मैं आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से भी बात करने वाला हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये जो सब घोटाले जो है इसके रिपोर्ट जो CAG के कुछ तैयार हुए, कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कमेटी के सामने विचार के लिए ले हैं और इस कमेटी के द्वारा गवर्नमेंट को वो डायरेक्शन दे। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि ये बहुत भयंकर है, मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी है और इसके बारे में जो 64 मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स जो है CWG की, उसका भी काफ़ी कुछ बातें आई है। मैं उसको जिक्र इसको कॉमनवेल्थ के नहीं जोड़ना चाहता, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, पर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ और वो नेता करके नहीं,
मैनेजमेंट का विद्यार्थी के नाते कहना चाहता हूँ कि बाय सिस्टम को सुधारने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से काफ़ी कुछ प्रमाण में, अप टू 60-70% इन बातों को रोका जा सकता है, और इसलिए प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। जब प्लानिंग कमीशन 250-350 करोड़ की ग्रांट देती है और वहाँ कुछ भी काम नहीं होता, लोग पैसा लेते हैं, तो हमारे पास कोई ऑडिटिंग नहीं, ना अकाउंटेबिलिटी है ना ऑडिटिंग है, ऐसी कैसी सिस्टम है। तो हम हमारे सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग दोनों का ध्यान लेकर बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं। एक बात अच्छी हुई है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के कारण ये बातें बाहर तो भी आ रही है, दैट इज ऑल्सो ए क्रेडिट। ये एक्ट को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसके कारण जानकारी मिल रही है, और इसके कारण बहुत से स्कैंडल्स लोगों के सामने आ रहे हैं। समय समय पर अगर कानून में सुधार होता है तो हम इसमें से निकल सकते हैं। मैं केवल विपक्ष करके नेगेटिव बात और टिका टिप्पणी के नहीं करूँगा, जहाँ हम रूलिंग पार्टी स्टेट में हैं वहाँ हम पॉजिटिव उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर से और यूपीए सरकार से मांग करूँगा कि ये सब बातें आज हमारी विजया जी जो है वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस कमेटी की मेंबर थी, तापिर गांव हमारे जनरल सेक्रेटरी है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, और बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्राधान्य देकर हम उनके विकास की ओर देख रहे हैं। हम केवल निगेटिव बातें आपके सामने नहीं ला रहे, हमने नॉर्थ ईस्ट का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो, रोजगार की निर्मिति कैसे बढ़े, पर्यटन कैसे बढ़े, वहाँ पर कैपिटा इनकम GDP कैसे बढ़े, इरीगेशन कैसे बढ़े, फार्मर्स के लिए कल्याण की योजनाएं कौन सी हो सकती है, बाढ़ के कारण जो नुकसान हो रहा है उसको किस प्रकार से रोके, अलग अलग विषयों का अध्ययन टेक्निकल एक्सपर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ पॉजिटिव प्रयास है, दूसरी तरफ ये जो लूटा गया है ये डकैती है, ये लूट है, ये इसको लूटमारी के सिवा दूसरा वर्ड नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, क्योंकि ये अपने मुख्यमंत्री ने कंपनी बनाना, बच्चों ने बताना, कोई टेंडर नहीं, लूट लेना ले लेना, और ये सब ये लेकर दूसरे को बेचना। 180 स्क्वायर फुट की कंपनी है झोपड़पट्टी में रोड पर है, और वो जाके उसको 600 करोड़ के काम मिलते, 2400 करोड़ के काम मिलते, ये सब कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, और ये सब सरकार को मालूम है। आपको पता होगा कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट, आप अरुणाचल का हाइड्रो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल कितना है, पूरे देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, 90,000 मेगावाट पावर, और उसकी कैपिटल कॉस्ट 8 करोड़ किरीट जी कह रहे हैं, पर मैं पावर वाला हूं, अगर उसको ठीक प्रकार से इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कॉस्ट 5 करोड़ तक आएगी, और हमको 25 पैसे यूनिट में बिजली मिलेगी। आज कोयना में जो पावर मिल रही है हाइड्रो पावर महाराष्ट्र में, उसका कॉस्ट वसूल हो गई और उसकी कीमत 25 पैसे यूनिट आई है, और 25 पैसे यूनिट की अगर बिजली मिलेगी तो देश की तरक्की कितनी होगी। हमारे अरुणाचल के बाजू में चाइना का प्रोजेक्ट है 18,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट, 18,000 मेगावाट का, और वो उनका लोहे की कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर बिजली से कितनी कम होगी, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारे देश में अगर बिजली अगर देश यूज कर सके तो कितना देश का फायदा होगा, और इसलिए दीज आर द इश्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और राष्ट्रपति जी को मिलकर हम इन सब बातें उनके सामने रखेंगे, और मैं धन्यवाद दूंगा विशेष रूप से हमारे सेक्रेटरी किरीट सोमैया जी को, विशेष रूप से हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे तापिर गांव जी, और हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसाम की, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट विजया जी, इन्होंने बहुत मेहनत की। ये रिपोर्ट कागज पर तैयार नहीं किया, ये जगह जगह पर गए हैं, परिस्थिति का अध्ययन किया है, डॉक्यूमेंट्स मिला है, और आपके सामने कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ प्रेजेंटेशन किया है। ये कोई पब्लिक भाषण नहीं है कि हम हवा में कह रहे घोटाला हुआ, एक एक चीज के डॉक्यूमेंट उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ तैयार किए। इस कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मुझे पता है मीडिया में एक समय इतना मसाला मिल गया कि आपको स्वाभाविक रूप से संभ्रम हुआ क्या लिखना और क्या दिखाना और क्या नहीं, आप इसका अध्ययन करिए। इसमें अगर अड़चन आती है तो अगर कुछ आपको है तो आप जरूर तापिर गांव जी से, किरीट जी से, विजय जी से बात करके समझ लीजिए, कार्यालय के मैंने सब एविडेंसेस रखी है, पर देश के इंटरेस्ट में इन सब बातों को आप ठीक प्रकार से जनता के सामने लेकर जाइए। और दुर्भाग्य से बोलो ये सब स्कैंडल्स और स्कैम्स कांग्रेस गवर्नमेंट के हैं, और दिल्ली में भी आज जो चल रहे वो भी स्कैंडल्स कांग्रेस गवर्नमेंट के हैं। एक तरफ सोनिया जी भ्रष्टाचार के विरोध में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और दूसरी ओर दिल्ली से लेकर गली तक कांग्रेस ही देश को लूट रहे हैं।
लूट रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अब इसमें सभी जनता के सामने ये सवाल है कि इस लूट को किस प्रकार से रोके ताकि इसका उपयोग देश के गरीबों के हित में हो, किसानों के हित में हो। और इसलिए इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठाएगी, पार्लियामेंट में संघर्ष करेगी, राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी, और नहीं हुआ तो फिर PIL डालकर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। और इसमें और ये है कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे आसाम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री आए, कम से कम दिए के नीचे तो अंधार नहीं होना चाहिए। अगर वो वहाँ से आए तो वहाँ की जनता के प्रति उत्तरदायी है, थोड़ा मुझे लगता है विशेष ध्यान इसमें दे और कठोर कार्रवाई करे, यही मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। और इसके तथ्य तुरंत टाइम बाउंड सामने लाकर जो जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए ताकि आइंदा की कोई इस प्रकार की हिम्मत ना करे, यही मैं UPA सरकार से अपेक्षा करता हूँ। फिर से एक बार इन सबको इस रिपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत अच्छा हुआ मैं कार्यक्रम में गया था डिब्रूगढ़, सर्वानंद सोनवाल आसू के अध्यक्ष थे जब आंदोलन हुआ था, बहुत कदवार नेता है आसाम में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इनके नेतृत्व में जीती गई और इनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। और ये सब भ्रष्टाचार के प्रकरण, MDT एक्ट का भी, बाकी सभी इशू पर उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका उठाया है। ये बहुत निष्कलंक कर्तृत्ववान ऐसा एक पोटेंशियल का उनका नेतृत्व है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उनका मैंने स्वागत भी किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आसाम में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी जिसमें BJP भी गवर्नमेंट में एक पार्ट रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आसाम की स्थिति अब बहुत तेज़ी से बदल रही है, मैं पिछले महीने में 3-4 बार आसाम में जाकर आया हूँ और आसाम की बदलती हुई परिस्थिति इस नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को एक नई दिशा देगी। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, हमारे अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के जो अरुणाचल के MLA हैं वो गट नेता हमारे, वो भी आए हुए हैं, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये बात आप लोगों तक पहुँचाइए और उस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। आपको कुछ पूछना होगा तो कुछ चुने हुए सवाल इसी संबंध के अगर होगे तो अच्छा होगा। मैंने इतनी बात कही है कि आसाम में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आए। जो तथ्य सामने आ रहे उसमें अगर मैं पहली बार कहा था मैंने उस समय कि महंगाई और इकोनॉमिक पॉलिसी के विषय के बारे में हमको एक बहुत ही मेरिट के छात्र अर्थशास्त्र के प्रधानमंत्री के रूप में मिले, तो मैंने उम्मीद की थी कि अर्थनीति में वो यशस्वी होंगे, पर बाद में मैंने कहा था कि उनकी अर्थनीति इतनी फेल हो गई कि 100 में से 25 मार्क भी देना उनके लिए कठिन होगा। अब मैं अर्थनीति फेल हुई ये बात कर रहा था, अब तो मुझे लगता है UPA 2 ये 100% ऑल फ्रंट पर फेल हुई है। और सोनिया जी के भाषणों से जो बड़े बड़े वादे होते थे गरीबों के साथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो कितने खोखले हैं कि केवल केंद्र की सरकार कांग्रेस की भ्रष्ट नहीं है, कांग्रेस के नेता भ्रष्ट नहीं है, तो राज्य के जो सूबेदार है वो भी लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम में लूट मचाने में कोई कम नहीं है। जिधर उधर कांग्रेसी भिड़े हुए हैं, न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खींचो और लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम जोरों में चलाओ, इसमें कोई पीछे नहीं है, देश में पूरा यही जोर से चल रहा है। नितिन जी, आज शशि थरूर का भी नाम आया कि CWG में वो एक कंसल्टेंट थे और उनको फीस दी गई है, उन्होंने जो एड्रेस दिया था वो न्यूयॉर्क का दिया था और जो पेमेंट की गई है उनको दुबई के एक बैंक में दी गई। देखिए कोई रोज ये अनेक नाम आ सकते हैं क्योंकि पूरा घर ही इसमें लगा हुआ है काम में, तो हम लोग केवल छोटे मोटे नौकरों की बात क्या करें, पूरा घर पूरे डिसिप्लिन के साथ, ये जो कांग्रेस पार्टी का घर है पूरे शक्ति के साथ लुटा लूट में लगा है, देश में लगा है, राज्यों में लगा है, दिल्ली से गली तक एक ही कॉमन कार्यक्रम है। बस जो मैं कहा, I am asking you one question, what is the charge against of corruption against Arun Kumar? I am asking you this question, I studied the case. Denotification land is the only issue. Under that law, the previous chief minister had to do the same thing 3 times, 4 times more. And that is the law which is passed by the Karnataka Assembly.
convert into a law. It is a privilege and right of the chief minister to denotify the land. So we are also the, now the matter is with the court. And if the court decides, no problem. We will take the decision. मैं अभी इसमें कुछ नहीं बोला, बाद में कभी आपको इंटरव्यू दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखो, कांग्रेस पार्टी केवल केंद्र में लूट नहीं मचा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता नॉर्थ ईस्ट में भी लूट मचा रहे हैं, और उनका चाहे आसाम की सरकार हो, चाहे अरुणाचल की हो, चाहे सिक्किम में हो, चाहे हमारी मणिपुर में हो, सब जगह पर लूट मची है। उसके कॉन्क्रीट एविडेंसेस आज हमारे रिपोर्ट के द्वारा सामने आए हैं। मैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता नॉर्थ ईस्ट के नेताओं को लेकर राष्ट्रपति को मिलेंगे और हमारी बात उनके सामने रखेंगे। सर, खासकर अगर बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, मुख्यमंत्री जो गुरजी खांडू हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों को जो कॉन्टेक्ट दिए, कितना अरुणाचल के मुख्यमंत्री को लेकर आपका कदम उठाए? देखिए, गंभीरता के आखिरी मुद्दा पर है, अब मुझे कोई वर्ड्स नहीं इसको एक्सप्लेन करने में। इसको अगर मैं भ्रष्टाचार भी नहीं कहूँ, ये डकैती या लूट के कैटेगरी में आता है, और लोकतंत्र में जो लोग चुन कर आते हैं, और मुझे समझ में ना आता कि हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा है, उनसे पैसे जा रहे हैं, और इसके बाद में इसके बावजूद इस प्रकार के लूट मचना। प्रधानमंत्री हमारे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, आसाम से चुन कर आए हैं, और दिए के नीचे अंधारा ऐसी स्थिति है, और ये पैसा गरीबों को जाने के बजाय, गरीबों का फायदा होने के बजाय, युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के बजाय, ये इस प्रकार से कोई कंपनियाँ जा रही है, वहाँ लूट मचा रही है। ये देश को लूटने का एक षड्यंत्र है, लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम है, और ये लूट मची हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गरीबों के लिए। नहीं, इसमें मैं पार्टी की भूमिका जाहिर करूँ।